अंबिकापुर में 7 दिनों के लिए लगाए गए लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जहां पहले दिन लोगों को समझाइश दी गई, तो वहीं लॉकडाउन के दूसरे दिन बेवजह घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। नियमों को कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन कमला नगर में लगातार निगरानी कर रहा है। जहां अब तक 26 से ज्यादा लोगों पर FIR की जा चुकी है, वहीं सैकड़ों लोगों से 42,000 रुपए से अधिक की चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जा चुका है। प्रवर्तन दल है, उसके द्वारा 204 लोगों से 42,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है और 26 लोगों पर FIR किया गया है। वह बदस्तूर आज भी जारी रहेगा, जो नियम तोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अंबिकापुर में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। इसी तारतम्य में कलेक्टर SP सहित शहर के कई उच्च अधिकारी नगर भ्रमण पे निकले हैं और जो अनावश्यक घूमते हुए पाए जा रहे हैं उन पर जो है कि चलानी की कार्रवाई और FIR भी दर्ज की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ लगातार जो है सैकड़ों की संख्या में अभी तक चलानी की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं अगर बात करें SDM साहब से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी तक 42,000 से भी अधिक पैसों की चलानी कार्रवाई की जा चुकी है। अंबिकापुर में अब तक जो है अनावश्यक घूमने वालों पर लगभग 21 से अधिक युवकों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। शहर के भ्रमण में निकले हुए कलेक्टर महोदय व उच्च अधिकारी अभी शहर के लगातार भ्रमण करेंगे, दौरे पर रहेंगे और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर से स्वराज एक्सप्रेस लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।